तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो पासपोर्ट साइज फोटो से रिलेटेड और स्टैम्प साइज फोटो से रिलेटेड है। अगर आपके पास भी स्टूडियो है तो आप भी डेफिनेटली पासपोर्ट फोटो या फिर स्टैम्प फोटो या फिर B2 साइज फोटो को आप खींचते होंगे, उसके बाद एडिट करते होंगे, फिर प्रिंट आउट निकाल के आप अपने कस्टमर को देते होंगे। तो इस काम के प्रोसेस के लिए या तो आप फोटोशॉप यूज करते होंगे या तो फिर कोई पेड वर्जन का सॉफ्टवेयर आप यूज करते होंगे। अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो आप मैनुअली काम करते होंगे, राइट, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी एक एक फोटो के लिए। लेकिन अगर आप कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको उसमें काम जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें काफी सारे फीचर्स नहीं होते हैं। मार्केट में वैसे 2 से 3 पासपोर्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी सारे ऐसे भी यूजर होते हैं जो कि एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज मैं सारी चीजों का सोल्यूशन लेके आया हूं जो कि पासपोर्ट रिलेटेड और स्टैम्प साइज से रिलेटेड है। जो आज आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप पासपोर्ट बना सकते हैं और स्टैम्प साइज बना सकते हैं। आपको उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है क्वांटिटी भी आप वहां पे डाल सकते हैं, क्वांटिटी के लिए भी ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड चेंज करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो पहले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जो आप फोटो को कटिंग करते थे 1 by 1, आपको वो कटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम आपको ऑटोमेटिक होगा। और जो आज आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर देने वाला हूं वो सॉफ्टवेयर आपके फोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में सब में काम करेगा। तो गाइस अगर आपके पास भी स्टूडियो है या फिर अगर आपके पास भी पासपोर्ट से रिलेटेड काम आता है या फिर स्टैम्प साइज से रिलेटेड काम आता है और आप भी कोई बहुत ज्यादा चीप प्राइस का सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे थे, तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको सॉफ्टवेयर को यूज करना है, किस बटन को दबाने से क्या होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, ये वीडियो आपका एज अ ट्यूटोरियल भी होगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप पूरी तरीके से काम कर पाएंगे और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, हर कोई इसको चला सकता है। अगर आपको फोटोशॉप की नॉलेज है चाहे नहीं है फिर भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कवर करूंगा कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको कि सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कैसे। तो वीडियो को लास्ट आप जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को समझाने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर कैसे आपको ऑनलाइन बाय करना है। वैसे सॉफ्टवेयर को लेने के लिए आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई देगा, इस व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं या तो फिर मेरे से बगैर कॉन्टेक्ट किए आप सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करना होगा वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि कैसे यूज करना है वो मैं आपको सबसे पहले यहां पर सिखाता हूं। तो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, सीधा चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ। अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले यूनिक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक बिल्कुल सही टाइम तक पहुंच जाएगी और आप भी मेरे चैनल से काफी सारे बेनिफिट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके ये सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं या तो फिर किसी भी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए, जैसे अगर आप एल्बम डिजाइनिंग का काम करते हैं तो एल्बम डिजाइनिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर आप मेरे से ले सकते हैं। अगर आपका सब्लिमेशन का बिजनेस है सब्लिमेशन के लिए भी आप मेरे से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। अगर आप कोलाज वगैरह बनाते हैं, कस्टमाइज कोलाज वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। वीडियो मिक्सिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। इवन किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस अभी हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, रोज आईटी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर का नाम है यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे रखी है विनरार की फाइल। इस सॉफ्टवेयर का नाम है मैजिक पासपोर्ट मेकर 7.0। इसका जो वर्जन है वो 7.0 है। तो आपके पास भी जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को बाय कर लेते हैं तो आपके पास भी आएगा विनरार। तो आपको कुछ नहीं करना है, विनरार से आपको एक्सट्रैक्ट करना है फाइल। आपने विनरार को डबल क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये वाली फाइल आ जाएगी। आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट 2 पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा प्रोसेस कर लेते हैं तो आपके सामने आएगा एक फोल्डर। इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे रख दिया है। मैं यहाँ पे आपको फोल्डर के अंदर लेके जा रहा हूँ। फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 सेटअप मिलेंगे, दोनों ही सेटअप आपके पास भी आएंगे। यहाँ पे एक में लिखा हुआ कलर और एक में लिखा हुआ सेटअप। तो सबसे पहले आपका कलर को रन करना है, फिर आपके सेटअप को रन करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपने जैसे सेटअप को यहाँ पे रन किया तो सेटअप आपसे एक्सेप्ट पूछेगा, आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो जो भी आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप लोड होगा उस फोटोशॉप में आपको करना है। बेसिकली अगर आपको फोटो कटिंग का भी काम करना है इसके साथ तो आपको फोटोशॉप CC 2019 से लेकर CC 2024 तक आप इसको यूज कर सकते हैं। उससे नीचे का अगर वर्जन आप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ तो काम आप सारे कर पाएंगे लेकिन सिर्फ ऑटो कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ब्राउज लिखा है ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। उसका जो भी मेरे इस कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए मैं जा रहा हूँ माई कंप्यूटर पे सी ड्राइव पे। सी ड्राइव के अंदर आपको दिखेगा प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा अडोब, अडोब के अंदर जाना है। उसका जो भी आपका फोटोशॉप होगा उस फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी के लिए यस नो आपसे पूछ सकता है, तो आपको वहां पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने आ जाएगी ये वाली स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग का जो इसका सिक्योरिटी कोड होता है वो डलेगा। तो यहाँ पे मैं अपना सिक्योरिटी कोड को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सिक्योरिटी कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूंगा। जैसे आप इसको सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए कोई टेंशन नहीं करना है, इंस्टॉलेशन मैं आपका करवा के दूंगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते के साथ ही ये आपका डन हो गया। डन होने के बाद यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये आपका जो कलर वाला है इसको चलाना होगा। अब इसको क्या करना है, आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यस करना है।
है अगर सिक्योरिटी के लिए पूछे तो, और उसके बाद और कुछ नहीं करना है, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली डन हो गया, बस एक बार क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मेरा डन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना फोटोशॉप ओपन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे वर्किंग के ऊपर। तो मैंने जो इंस्टॉल किया है वो फोटोशॉप सीसी 2023 के अंदर किया है। तो मैं अपना फोटोशॉप सीसी 2023 को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा फोटोशॉप है वो ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ आप बने रहें। और इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, वो व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए या फिर किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा फोटोशॉप है वो ओपन हो चुका है और मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होकर यहाँ पे आ चुका है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आएगा कैसे। आपको जाना होगा विंडोज पे। विंडोज पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा है एक्शन। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यही मेरा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है मैजिक पासपोर्ट मेकर 7.0, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू कलर वाले आपके सब्जेक्ट हैं और जो ग्रीन वाले हैं ये आपके बटन्स हैं जिसके अंदर अभी हम लोग काम करेंगे। उसी की तरीके से आपको यहाँ पे भी जो कि हम लोग का सेक्शन है जिसमें अभी हम लोग काम करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन वाले ये इसके बटन्स हैं, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, पहला जो ऑप्शन है ये पासपोर्ट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन था वो आपका स्टैम्प ऑप्शन है। अगर आपको पासपोर्ट से रिलेटेड काम करना है तो आपको ये वाला टूल पूरा यूज करना होगा, ठीक है। अगर आपको स्टैम्प से रिलेटेड काम करना है तो स्टैम्प से रिलेटेड आपको ये वाला टूल यूज करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहते हैं आप जिसमें आप पासपोर्ट स्टैम्प दोनों मिला के निकालें तो आपको ये वाला टूल पे काम करना होगा। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले चलते हैं। सबसे जो पहला बटन है ओपन फोटो, इस बटन को दबाने से ये आपसे पूछेगा कि फोटो आपने कहाँ रखी है, फोटो को ओपन करो। तो सबसे पहले मैंने बटन दबा दिया। बटन पे क्लिक करते के साथ ही आपके सामने आपका फोल्डर ओपन होगा। उसका जहाँ पे भी आपने फोटो रखी है फोटो पे डबल क्लिक करेंगे आप। तो मेरे पास कोई भी ऐसी पासपोर्ट से रिलेटेड कोई फोटो नहीं है तो मैं कोई भी अपनी डेमो के पिक्चर को ओपन करूंगा आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। तो जस्ट मैंने एक फोटो पे डबल क्लिक कर दिया है। डबल क्लिक करते के साथ ही तो आपकी फोटो फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी जैसे कि मेरी फोटो ओपन हो गई है। तो सबसे जो पहला बटन है उसकी मदद से आपने अपनी फोटो को ओपन कर लिया। दूसरा जो ऑप्शन है आप इस बटन की मदद से अपनी फोटो को स्मूथ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। ये आपकी जो फोटो है अभी जैसी भी दिख रही है इसमें अगर हम लोग ऑटो स्मूथ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो वो स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर दिया तो अब मेरी जो फोटो वो स्मूथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ हो रही है। तो आपको स्मूथ के लिए भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, आपकी फोटो जो है ऑटोमेटिकली स्मूथ यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद स्मूथ होने के बाद यहाँ पे आता है आपका कलर करेक्शन। वैसे मैं आपको स्मूथ के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फोटो आपकी सिर्फ उतनी ही स्मूथ हुई है जितनी फोटो में जरूरत है, हद से ज्यादा स्मूथ नहीं हुई है। कई बार फोटो खराब हो जाती है हद से ज्यादा स्मूथ होने पे। तो यहाँ पे सिर्फ उतनी ही स्मूथ हुई है जितनी जरूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ऑटो करेक्शन हार्ड और ऑटो करेक्शन लाइट। अब यहाँ पे जो ये ऑटो करेक्शन हार्ड और ये जो ऑटो करेक्शन लाइट है इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ऑटो करेक्शन हार्ड है जिसमें मैंने अभी मार्क किया है, इसको अगर आप दबाते हैं तो हार्डली जो करेक्शन होता है यानी काफी सारी चीजें करेक्शन के साथ यूज हो जाएगी। अगर आपकी फोटो ऑलरेडी लाइट है तो आपको यहाँ पे लाइट वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, यानी ऑटो करेक्शन लाइट पे। अगर आपकी फोटो बहुत ज्यादा डार्क है तो आपको ये ऑटो करेक्शन हार्ड पे क्लिक करना है। तो मेरी जो ये फोटो है ऑलरेडी काफी ज्यादा लाइट है, ठीक है, तो मैं अभी लाइट वाले पे ही क्लिक करूंगा जिससे कि मेरी फोटो खराब नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने ऑटो करेक्शन लाइट पे क्लिक किया। यहाँ पे मेरी फोटो थोड़ी सी लाइट हो गई है, जितनी लाइट हुई है उतना बिल्कुल काफी है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑटो बैकग्राउंड चेंज। आपके पास फोटो कहीं से भी आती है, आप स्कैन करते हैं या फिर कहीं से भी क्लिक करते हैं, अगर आपको अपने हिसाब से बैकग्राउंड उसमें ऐड करना है तो उसके लिए आपको कटिंग करनी पड़ती थी। तो अब आपको कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे जो ऑटो बैकग्राउंड चेंज है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैकग्राउंड्स ओपन हो जाएंगे। बैकग्राउंड्स ओपन होने के बाद यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ब्लू है, ग्रे है, ग्रीन है, रेड है और व्हाइट है। अपने को पासपोर्ट के लिए सिर्फ इतने ही कलर जरूरत पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने इतने डाल के दिए हुए हैं। अगर आप लोग को और कलर चाहिए इसमें बैकग्राउंड के हिसाब से तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं कि आपको कौन से कलर के चाहिए, तो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ से अभी हम लोग कोई सा भी ऐड करते हैं, जैसे ग्रे ले लेते हैं। ग्रे पे मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही आपकी फोटो का बैकग्राउंड कटेगा और उसमें जाके ग्रे जो बैकग्राउंड है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड हो गया है ग्रे, तो मेरी फोटो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है हम लोग का, यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉपिंग पासपोर्ट, ठीक है। क्रॉप पासपोर्ट जो बटन है इस पे क्लिक करना है आपको। अब आपको कोई भी साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रॉपिंग ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्रॉप पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो जो ये साइज आपका कट रहा है ये आपका पासपोर्ट कट रहा है। तो आपको अपने फोटो के अकॉर्डिंगली आपको ऐसे सेट कर लेना है। सेट कर लिया, अब अपने माउस से डबल क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड से आप एंटर कर दो। तो मैं डबल क्लिक कर दिया तो ये मेरी जो फोटो है पासपोर्ट साइज में कटिंग हो चुकी है। अब कटिंग होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या ऑप्शन है। अगर आपको 8 फोटो बनानी है 4:6 के अंदर तो आपको ये बटन दबाना है। अगर आपको 12 फोटो बनानी है 5:7 में तो आपको ये बटन दबाना है। अगर आपको 16 फोटो बनानी है पासपोर्ट साइज 6:8 में तो आपको ये बटन दबाना है। अगर आपको 30 फोटो बनानी है A4 में तो आपको ये बटन दबाना है। तो यहाँ पे ये मैंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों के साथ आप बना सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी ऑप्शंस चाहिए फोटो का तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑप्शन को ऐड करूंगा इन फ्यूचर। तो जैसे बेसिकली मुझे अभी 8 चाहिए, जो कि 8 नॉर्मली सारे स्टूडियो वाले 8 फोटो को देते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 पासपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। ये आपसे पूछेगा कि बॉर्डर कितना देना है। तो नॉर्मली 1 का बॉर्डर काफी होता है, तो 1 का बॉर्डर देने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके
पे क्लिक करने के बाद जो आपकी फोटो है वो यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इस फोटो को आप अपने हिसाब से 4:6 में जैसे प्रिंट आउट करते हैं वैसे आप यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप इसको बंद कर लेंगे, प्रिंट आउट करने के बाद इस वाली फोटो को जहाँ पे भी आपको सेव करना सेव कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे सेव का बटन यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको क्लिक करने के बाद आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करना तो यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज किया जाता है। तो ये पासपोर्ट के ऑप्शन हो गए। यहाँ पे अगर आपको फोटो को मान लेते हैं कि आपको 30 कॉपी बनानी है 4:6 में, तो यहाँ पे ऑलरेडी कट ऑफ किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया 30 फोटो पे, तो ये आपसे बॉर्डर पूछेगा, एक का ही बॉर्डर रहने दो, आप ओके पे क्लिक कर दो। तो ये A4 का पेज खुल गया और यहाँ पे आपकी A4 के अंदर 30 फोटो सेट हो गई है। अब आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका पासपोर्ट का ऑप्शन। तो चलो आप B2 के ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे B2 के ऑप्शन के अंदर भी सारे के सारे बटन सिमिलर है, ठीक है। आपको ओपन फोटो करना है, स्मूथ करना है, फिर रिकॉर्डेशन करना है, फिर अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज पे क्लिक करेंगे, या तो फिर आपको क्रॉप स्टैम्प पे क्लिक करके अपना 12 स्टैम्प या फिर 20 स्टैम्प आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ओपन फोटो मैंने क्लिक किया। अब मैं अपने कोई से भी डेमो की पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने कस्टमर की पिक्चर को ओपन करेंगे। तो जस्ट लाइक मैंने एक अपनी फोटो को ओपन कर लिया है, अब मुझे इसको पासपोर्ट में कटिंग करना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, स्मूथ ऑप्शन है, तो स्मूथ ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो स्मूथ पे क्लिक करते के साथ ही ये जो मेरा फोटो है वो स्मूथ अभी हो रही है। स्मूथ के बाद हम लोग चलेंगे ऑटो करेक्शन, जो हार्ड था इस हार्ड वाले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि लाइट वाला आपने देख लिया है, अभी एक बार हार्ड वाला आप देख लेना। तो यहाँ पे मेरी जो फोटो वो स्मूथ हो चुकी है, और जितनी स्मूथ होनी चाहिए उतनी ही स्मूथ हुई है, कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑटो करेक्शन जो हार्ड है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हार्ड करेक्शन हो गया आपका, ठीक है, हार्ड करेक्शन हो गया। अगर हार्ड करेक्शन के बाद अगर आपको लाइट करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है तो आप लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो लाइट हो जाएगी। अगर फिर से आपको हार्ड करेक्शन पे क्लिक करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है, फोटो को और ज्यादा कंट्रास्ट करने के लिए अगर करना चाहे आप। तो मैंने कर दिया। अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऑटो चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कौन सा बैकग्राउंड आपको वहां पर डालना है। तो मेरा ये वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा, मैं कोई सा बैकग्राउंड डाल सकता हूं जो भी मुझे डालना है। जस्ट लाइक मुझे रेड डालना है तो मैंने रेड पे क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद मेरी फोटो का बैकग्राउंड कटिंग होगा, बैकग्राउंड जो रेड है वो वहां पर जाकर सेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉपिंग करूंगा, ठीक है, लाइट भी मेरा हो गया, सब चीज हो गया, यहाँ पे क्रॉप बटन है। अब मैं यहाँ पे क्रॉप स्टैम्प पे क्लिक करूंगा तो मेरा साइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। इमेज को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इसको क्रॉप करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रॉप कर दिया तो ये मेरी जो फोटो वो स्टैम्प साइज में क्रॉप हो चुकी है, जो कि आप अपने आईडी कार्ड वगैरह में यूज करते होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको 12 स्टैम्प बनाने हैं पीसी साइज के अंदर, या फिर आपको 20 स्टैम्प बनाने 4:6 के अंदर। तो 20 स्टैम्प बनाते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही आपसे बॉर्डर पूछेगा, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके जो 20 स्टैम्प है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये डन हो गया है। अब चलते हैं नीचे का जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है उसके ऊपर। एक्स्ट्रा ऑप्शन के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर आपको 4 फोटो पासपोर्ट 4 फोटो स्टैम्प बनानी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा 4:6 के अंदर। तो मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ से मैंने एक फोटो को ओपन किया, ओपन के अंदर मैंने ये वाली फोटो को ओपन कर दिया, सेम जो मैंने पहले ओपन करी थी। उसका जो भी मुझे करेक्शन करना है वो कर सकता हूँ, मैं जो भी करना है मैं कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है 4 फोटो पासपोर्ट 4 फोटो स्टैम्प मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास साइज आ गया, ये मेरा पासपोर्ट का साइज है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और डबल क्लिक हो गया। यहाँ से डबल क्लिक करते के साथ ही यहाँ से आपसे बॉर्डर पूछेगा, आप ओके कर देंगे। ओके करते के साथ ही आपकी फोटो वहाँ पे सेट हो जाएगी। उसके बाद ये फिर से आपसे साइज पूछेगा, ये जो साइज है आपका ये स्टैम्प साइज है। अब अपने स्टैम्प साइज आप जैसे भी रखना चाहो आप रख सकते हो, यहाँ पे रखने ओके कर दो। ओके करते के साथ ही जो आपका स्टैम्प है वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये सेट हो चुका है। अब आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये आपका 4 पासपोर्ट और 4 स्टैम्प बन चुका है। अब आपको यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे जो 4 पासपोर्ट है और जो 4 स्टैम्प है उसमें से आपको 2 ब्लैक एंड व्हाइट करनी है, स्टैम्प भी और 2 पासपोर्ट भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट करनी है। तो अपने सिलेक्शन टूल से कोई भी 2 फोटो को सिलेक्ट कर लो, ये आपने 2 फोटो को सिलेक्ट कर ली यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होगी। आपको यहाँ पे भी 2 फोटो करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया और ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक किया तो ये भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके लिए इजी हो गया है, बहुत इजी वे में आप इसको काम यहाँ पे कर सकते हो, आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो 4:6 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको जो भी पासपोर्ट बनाने से रिलेटेड होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग अभी लेटेस्ट वर्जन फोटोशॉप का यूज करते हैं तो उसके लिए कोई भी पासपोर्ट बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर रेडी किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। इन फ्यूचर मैं इसके अंदर काफी सारे अपडेट करने वाला हूं आपके अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिले तो आप मुझे बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कुछ ऑप्शन ऐड करने के लिए आप मुझे बताएंगे तो मैं ऐड कर दूंगा उसको। तो बेसिकली यही था मेरा सॉफ्टवेयर, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपका भी पासपोर्ट से रिलेटेड काम है तो ये सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास भी स्टूडियो है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक आप काम कर पाएंगे, बैकग्राउंड भी चेंज कर पाएंगे, आपको जो भी डालना है उसमें बैकग्राउंड वो डाल सकते हैं, स्मूथ भी कर सकते हैं, कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, और जो भी आपको क्वांटिटी में पासपोर्ट बनाना है वो भी आप बना सकते हैं। आने वाले टाइम पे मैं सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारे नए नए टूल्स और अपडेट करूंगा, काफी सारे नए नए बटन और ऐड करूंगा आप। तो गाइस सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क कैसे होता है वो आपने देख लिया, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है वो आपने देख लिया। तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन आप कैसे बाय कर सकते। वैसे तो इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे आपको नंबर दिखाई दिया होगा, वो व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करके आप सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली ले सकते हैं मेरे से, या तो फिर अगर मैं कहीं पे बिजी हूँ आपके व्हाट्सएप का मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। तो ऑनलाइन बाय करने के लिए क्या करना होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक वीडियो चल रहा है, तो मान लो कि आप ये वाला जो वीडियो देख रहे हो ये वही वीडियो है जो कि मैं आप लोग को अभी समझा रहा हूँ, ठीक है एग्जाम्पल। तो यहाँ से आप थोड़ा सा
डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है मोर का ऑप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का जो एरिया होता है बेसिकली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में जाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन एरिया आपको पूरा खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको बस लिखा है डाउनलोड लिंक, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है डाउनलोड लिंक, इसी टाइप से यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा होगा, तो इस ब्लू वाले पे आपको क्लिक करना है। ये हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लंबा लिखा हो, टेक्स्ट ज्यादा हो थोड़ा सा, लेकिन ये जो डाउनलोड लिंक लिखा इसी के सामने वाला जो ब्लू कलर का होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास मैजिक पासपोर्ट मेकर 7.0। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे तो इसका आपका जो ग्राफिक है वो दिख जाएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डाउनलोड बटन होगा येलो कलर का। इस येलो वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे अगर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हो, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद नीचे फिर से आपको यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिखाई देगा येलो कलर का, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा और डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिखाई देंगे, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई देगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन में ये आपका चलेगा, तो इसको भी आप जरूर पढ़ें एक बार। यहाँ से अगर हम लोग मूव डाउन करते हैं यहाँ पे आपको सैंपल्स दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का प्राइस और डाउनलोड लिंक आपको दिखाई देगा फिर से। तो जितने भी आपको यहाँ पे येलो कलर के बटन दिखाई दे रहे डाउनलोड वाले, आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्राइस जो कि बहुत ज्यादा कम प्राइस है, इसका जो प्राइस है इस वक्त ऑफर में है, और ऑफर की वजह से 259 रुपीज इसका प्राइस आपको मिलेगा। अगर आप आज बाय करते हैं तो आपको ये सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है 259 रुपीज में मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और यहाँ पे आपके पास जो येलो बटन है, आप चाहे इस पे क्लिक करो चाहे उसके ऊपर जो जितने भी आपको येलो कलर का बटन दिखाई देते किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो चलो मैं लास्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपके सामने भी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो सॉफ्टवेयर का पैनल है वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। उसका जो थंबनेल है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, और सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो यहाँ पे आपको शो करने वाला है। यहाँ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर का नाम आपको शो कर रहा है, और सॉफ्टवेयर का प्राइस में आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का प्राइस है एक्चुअली वो 650 रुपीज प्राइस है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट की वजह से यहाँ पे आपको 259 रुपीज में आपको मिलने वाला है। तो जितना भी आप बेनिफिट ले सकते हैं डिस्काउंट का आप जरूर लें, आप इस सॉफ्टवेयर को बाय जरूर करें। तो बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है बाय नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका ये डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा और आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे, ठीक है। इस वाले पेज पे यहाँ पे आपको मेंशन करना है आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मेल एड्रेस और आपका फोन नंबर, ये चारों चीजें आपको बिल्कुल राइट भरनी है। नेम अगर आप गलती से भी गलत कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ईमेल एड्रेस बिल्कुल राइट भरना होगा, क्योंकि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर आपका जैसे पेमेंट डन करेंगे तो आपकी मेल पर चल जाएगा। अगर बाय चांस किसी भी कारण से पेमेंट करने के टाइम पे जैसे कि आपकी पेमेंट कट गई है और आपके पास लिंक नहीं पहुंचा है किसी भी कारण से, या आपकी लाइट कट गई या फिर इंटरनेट बंद हो गया या फिर कंप्यूटर बंद हो गया या फिर लिंक आपके पास नहीं पहुंचा सर्वर की वजह से, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, और आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जगह पे मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे शो किया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट नेम डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोई सभी एक फेक ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, लेकिन आप अपना सही ईमेल एड्रेस डालेंगे। और यहाँ पे फोन नंबर भी हम लोग यहाँ पे फेक डाल देते हैं, यहाँ पे मैं नंबर डाल दिया, तो यहाँ पे मैं डिटेल्स अपनी सारी भर दिया, यहाँ पे मैं नाम भर दिया, यहाँ पे लास्ट नेम कर दिया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे मैंने फोन नंबर डाल दिया, ये फोन नंबर मेरा फेक नंबर है, ये सारी सारी जो डिटेल्स मैंने डाली वो सारी की सारी फेक है, आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है रिव्यू एंड पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिव्यू करेगा कि आप क्या चीज बाय कर रहे हैं, उसका क्या प्राइस हो रहा है, कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है, सॉफ्टवेयर का प्राइस 650 है और 259 रुपीज आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा 60% डिस्काउंट पे। सॉफ्टवेयर की क्वांटिटी आपकी 1 है, तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप आएगा, उसमें लोडिंग चलेगी, लोडिंग चलने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 पेमेंट के ऑप्शन है, एक आपका यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, एक नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, एक वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। तो अपने इंडिया में मोस्टली लोग यूपीआई के थ्रू करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर कोई भी भीम यूपीआई ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई वॉलेट यूज करते हैं इंटरनेट का तो आप इस वॉलेट को भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर अपने इंडिया में ये दोनों ही चीज चलते हैं, उन दोनों में से सबसे ज्यादा आपका यूपीआई चलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यूपीआई में सीखते हैं। तो यूपीआई के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग चलेगी और आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। तो इस क्यूआर कोड को आप अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसको आप स्कैन करके पे कर सकते हो, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप स्कैन करके आप पे करेंगे। जैसे आपकी पेमेंट डन होती है, हाथों हाथ ये सॉफ्टवेयर आपके मेल पे आ जाएगा। जस्ट आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और सीधा यूज करना है। अगर कोई दिक्कत आती है आपके पास तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे दिया हुआ है, उस नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके मेरे से आप हेल्प ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तब भी आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यही तरीका था सिंपल सा बाय करने का। अब उसका मैंने इसको बंद कर दिया है, यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है। अगर आप भी पासपोर्ट से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे थे, अगर आपने नया काम स्टार्ट किया, फिर आप इस लाइन के अंदर पुराने हैं, लेकिन अगर आपको एक बहुत छोटे अमाउंट में अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए था पासपोर्ट से रिलेटेड, स्टैम्प साइज से रिलेटेड, अगर आपका स्टूडियो है, तो ये आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत चीप प्राइस और सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के लिए आप जरूर कॉन्टैक्ट करें या
फिर आप ऑनलाइन बाय जरूर करें। तो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।